सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। संस्कारी जीवों की पहचान क्या है? आप कैसे पहचानोगे कौन संस्कारी कौन संसारी है? महापुरुषों ने पहचान का भी इशारा किया। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख ही पाएगा शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा तो सबका नसीब है। संस्कारी गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ये संसार भ्रम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर के ही का मरमो न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। अब भी जागो इज्जतन कुछ कर लो। चौरासी का ये फेरा बचालो। अभी जागो जतन कुछ कर लो। चौरासी का फेरा बचालो। अब भी जागो इज्जतन कुछ कर लो।
गुरु के करीब आए है, संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। अब आप विचार कीजिए, कितने गुरु के करीब, कितने गुरु से दूर चले गए। कोई गुरु के करीब खड़ा दिखाई दे, सब कोई इधर भगया, कोई इधर भगया, कोई इधर भगया। और महिमा गुरु की है, बिना गुरु के कोई भाषा व्यापार नहीं कर सकता। गुरु के भूल गए चेले के पास चले गए, अरे जब गुरु नहीं के पास तो चेला क्या करेगा। ये चेला में तो इन्हें गुरु का है, ये कहा व्यक्ति जान गया, पार करने खुद पार गया, गया नहीं, अपनी जीवात्मा को खुद अभी जगाया नहीं, परमात्मा के पास पहुंचा नहीं, दरबार का दरबारी बना नहीं, तो तुम गुरु को छोड़कर चले के पास चले गए, क्या मिलेगा। अरे अभी तो विचार कीजिए, यहाँ गुरु देने आया कि चेला देने आया। भगवान राम विश्वामित्र वशिष्ठ के चेले थे, क्या राम ने दिया कि राम को गुरु ने दिया। जब गुरु ने ज्ञान ले दिया और उनको उत्तम पारंग बना दिया, फिर उनको ले गए जनकपुरी, जहां राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर ठाना था। यद्य विश्वामित्र को निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन गुरु किसी सम्मान और बुलावे के चक्कर में उनको बड़े काम से मतलब, और वो पहुंच गए बड़े चेले बोले गए। और वो विश्वास मतलब राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर ठाना था, कहा मेरी बेटी शक्तिमान है, मैं शक्तिमान वर की तलाश कर रहा हूं, इसलिए सबको आमंत्रित निमंत्रित किया और एक ही आवाज में सब उसके दरवाजे आ गए। क्यों, बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा था कि राजा जनक से बेटी थी, बेटा नहीं था। लोग सोचते थे बेटी भी मिलेगी और राजपाट धन दौलत खजाना मिलेगा, क्योंकि बेटा नहीं। इस लालच में एक ही आवाज में सब दरवाजे पहुंच गए। जब दरवाजे पहुंच गए तब राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया कि मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित निमंत्रित किया है, मेरी बेटी शक्तिमान है, मैं अपनी शक्तिमान बेटी के लिए शक्तिमान वर की तलाश कर रहा हूँ, तुम्हारे जितने लोग आए हो सब एक एक व्यक्ति का मैं शक्ति परीक्षण करूंगा, अलग अलग एक एक व्यक्ति का। और परीक्षण का आधार अजिगो धनुष जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बना, इतनी तपस्या में तपी हड्डी मजबूत, उससे बने अजिगो धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता था। साधारण व्यक्ति बस की बात नहीं थी कोई तोड़ के। केवल इतनी कहानी है, लेकिन एक कहानी में सारा राज छिपा हुआ है। और जब सब अपनी अपनी शक्ति का परिचय देने लगे, गोस्वामी महाराज लिखते तिल भर घूम न सके उछलाई, तिल मात्र भी खिसका नहीं पर गरीब को। अब ये सब हार गए तो इनको क्रोध आ गया, सोच रहे कि मैं मेरा नाम दरवान बलवान बुद्धिमानों में गिना जाता, आज एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। इनको क्रोध आ गया, जब मानव शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक अंग खत्म होता, एकदम बुद्धि पागल हो जाती, तभी क्रोध की को पाप की जड़ काट गया, समस्त पापों का उद्धार इसी क्रोध से होता। काम क्रोध दो ही चीज, ये दो चीजें अगर कंट्रोल नियंत्रण आ जाए काम क्रोध, फिर तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, कोई प्राप्त नहीं करता, कोई बहका भरमा नहीं सकता। प्रेमियों जब सब हार गए तो सबने संगठन किया कि राजा जनक की बनाई व्यवस्था को भंग कर दिया, कहा हजारों योद्धा उठो,
जबरदस्ती धनुष को उठा के तोड़ के फेंक दो। अब ये भूल गए कि अगर धनुष सबसे टूट जाएगा हजारों लोगों से तो सीता की दुर्दशा हो जाएगी, बंटवारा कैसे। सब कहेंगे हमने तोड़ा, हमको चाहिए, हमने तोड़ा, हमको। लेकिन प्रेमियों जहां पर समय का गुरु बैठा होता है ऐसा जघन अपराध नहीं होने देता। समय के गुरु विश्वामित्र उसी सभा में बैठे थे, उनका चेला राम भी बैठा, लेकिन गुरु चेले को किसी ने पहचान नहीं पाया। न वो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण ने पहचान पाया, न बलवान बारासुर पहचान पाया, न बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी पहचान पाए। पूरी रात चेला से झगड़ा करते, जब हजारों योद्धा मिलके उठे, गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं, सहस भोग समय कई बारा उठे उठावे तेरे नितारा। हजारों योद्धा उठे वो भी धनुष को नहीं उठा पाए। तब राजा ने तो रो नहीं लगा, ये भी बड़ा अहंकारी था, अपने को विदेह कहता था, मैं बिना देखा हूं और दे लिए घूमना, कह रहा मैं अहंकार में, कह रहा मैं अष्टांग योगी हूं, मैंने शरीर के योग के आठंग यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा भेद समाधि ये आठंग है का मैंने इनको सिद्ध किया। और योगी भी नहीं पहचान पा रहा गुरु चेले। पहली बात यह है कि गुरु चेले को कोई पहचान नहीं सकता। जब उस समय के विश्वामित्र जी शारीरिक गुरु थे, सामाजिक गुरु, आत्मिक गुरु यानी सदगुरु नहीं थे, गुरु थे। जब गुरु को उस समय के ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण ने बलवान बहासुर और बाल ब्रह्मचारी परशुराम और वो राजा जनक योगी जब वो नहीं पहचान पाए गुरु को, तो प्रेमियों आज सदगुरु को कौन पहचानेगा। ये कलयुग का स्वार्थी लोभी राजी, ये चरित्रहीन गंदा खान पान करने वाला क्या ये सदगुरु को पहचान लेगा। अगर पहचाने होते तो आप शरण चरण को छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्या भगवान राम ने किल को पकड़ा था, क्या कोई देवी देवता की पूजा की, कोई अंदर मंदिर बनाए, कोई मूर्ति लगाई, कोई कागज के कलंदे छपवाए थे राम ने। गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं, भगवान राम ने किसकी पूजा की, कि प्रातः समय उठ कर भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा, चेतन पूजा माता पिता गुरु की, यानी भगवान चेतन पूजा माता पिता गुरु की कह रहा और इंसान जल पूजा कागज पत्थर पानी की कह रहा। तुम भगवान की भी तो बात नहीं मानते हो। भगवान ने करके दिखाया जिसको संत गोस्वामी महाराज ने राम के मानस में लिख के बताया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान राम ने यह भी सिद्ध किया है, जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई, मेरे भगवान बड़ा साहसी कार्य करके आए हैं। भगवान राम ने सुना प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही, तो दौड़ के आए, हाथ जोड़कर अपनी प्रजा से कह रहे, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। प्रजा कह रही भगवान किसने किया। भगवान राम ने क्या कहा, कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। प्रेमियों भगवान गुरु पर न्योछावर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्योछावर, और आज का इंसान चेले पर न्योछावर है, गुरु को भूल गया, गुरु की बात दिमाग से निकल गई, चेले के पीछे भटका हुआ। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है, इस मृत लोक मंडल में जीवों का काम हमेशा गुरु ने किया है। इतना अगर पढ़ लेते तब भी अपने समस्त सदगुरु से आप कभी अलग नहीं होते, और आज कुछ आप हिसाब कुछ और ही होते। अब तक तुम्हारी जीवात्मा जगने लगती और धीरे धीरे काल मार्ग देव से निकल कर अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करने लगती, लेकिन जब तुमने गुरु को ही छोड़ दिया है तब तुम तैयारी करोगे क्या।
चेले को पकड़े हो और चेला मान सम्मान में और फंस गया है रुपए पैसे धन दौलत में और तुमको भी घसीट के वही ले जाएगा, जहां वो खड़ा वही तुमको घसीट के ले जाएगा। मैं तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करूंगा, ये भी कभी विचार किया तुमने? तुमने कुछ सोचे समझा नहीं। प्रभु इतनी बड़ी महिमा इस मृत्यु मंडल में आदिकाल से गुरु की महिमा आदिकाल से, लेकिन कलयुग में हम सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए गुरु नहीं सतगुरु आया है। गुरु माने ज्ञान खिलाने वाला, राज पाठ धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला और पूजा करवाने वाला, लेकिन सतगुरु सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए दर्शन दीदार कराए प्रेमी उसको सतगुरु कहते हैं। अरे तुम्हें तो सतगुरु मिले और पहचाना कुछ नहीं प्रेमी, लेकिन विश्वामित्र बोले कुछ ये भी एक प्रश्न, जैसे आज लोग कह रहे हैं बाबा जी क्यों चले, क्यों छिप गए, क्यों डर गए, क्यों सामने नहीं आते, क्यों आदेश नहीं देते। प्रेमी और गुरु की मर्यादा होती, तुम्हारी तो कोई मर्यादा नहीं है। विश्वामित्र चाहते तो अपने चेले राम को आदेश देकर पहले ही धनुष तोड़वा सकते थे, लेकिन वहां झगड़ा शुरू हो जाता, सब कहते क्या इनका चेला बहादुर है, क्या ये काम हम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु सबको मौका देते, सबको मौका देते, चुपचाप बैठे जबकि लोग उनकी आलोचना बड़े तरह तरह के अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, कहते देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी आरोप की जरूरत है। अब किसी को क्या मालूम कि विश्वामित्र राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में, किसी को नहीं मालूम। ये गुरु की माना किसी को नहीं मालूम होती, गुरु कब अपने शिष्यों को आदेश देगा, कब उन्हें काम कराएगा। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे, जब सब हार गए, क्या लिखा है, करकर चले सज्जन प्रणाम, धनुष को दंडवत प्रणाम करके हारी मानकर जब सब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित था, अब ये सब हार गए मेरी बात न देखी। तो क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने, गुरु का बोला कि विश्वामित्र समय सुबह जानी अबोले आती इसने मृदुवाणी। गुरु ने अपना सुमुहूर्त घड़ी देख कर जान कर तब बोली, तब अपने चेलों को आदेश दिया, क्या दे दिया कि उठव राम भंजब शिव चापू अमेटवता पैजन की परतापू। या कहा कि उठो, ये नहीं कहा उठो धनुष तोड़ो शादी करो, नहीं उठो और राजा जनक जिस दुख से जल रहा है इसके दुख को दूर कर दो। प्रेमियों गुरु का आदेश हमेशा दुख दूर करने के लिए होता, स्वास्थ्य लोभ लालच रात पर धन और मान सम्मान सामान पाने के लिए नहीं होता। और ये तो सतगुरु का प्रश्न है, जब आप गुरु की महिमा नहीं समझ पाए हो तो सतगुरु की महिमा कैसे समझोगे, कैसे तुम्हारी समझ आएगी। इसलिए जब सतगुरु के वचन सुनने को मिलने लगे समझ लो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे जीवन में सुधार होना है, तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार का समय आ गया, तब सतगुरु के वचन समझ में आने लगे, तब ये समझ होगा। लेकिन अभी तो एक भी वचन किसी के समझ नहीं आया, सब सतगुरु को छोड़ के भाग गए, कोई इधर बकिया कोई उधर कोई उधर, किसी की समझ में आया ही नहीं, ये सब क्या खेल है, ये लीला क्यों हुई है, क्यों पर्दे पीछे खड़े हुए। अरे आपने मजबूर किया, जो 40 व्यक्ति मथुरा आश्रम में रह रहे हैं, जब बाबा जी ने लिस्ट बनाई कहा बच्चा तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम बनाना ठीक नहीं,
तुमने लाखों प्रेमियों का अन्न खाया है, भजन नहीं किया, तुम्हारे पर तमाम कर्जा लग रहा। अब तुम सब लोग घर जाओ, भजन कोई नहीं माना। बाबा जी को फिर कहना पड़ा, अरे भाई एक एक बीआरपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि गुरु को आदेश दे। देखो कैसे चेले हैं, गुरु को आदेश दे रहे हैं, कितने साल हम तुम्हारे साथ रहे, हम कहां जाए। ऐसा करे आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, तुम लोग नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा। अब तुमने भगाया है, तुमने ये सब अनर्थ तुमने किया, तो परिणाम तुम्ही को भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं कोई, तुम्ही भोगोगे। और ये 40 व्यक्ति जो आश्रम पर रहते, इनमें कोई सत्संगी नहीं था। बाबा जी इनको 3,000, 35,000, 40,000 रुपया तनखा देते, ये सब नौकरी करते थे, कोई सेवादार, कोई गुरु भक्त नहीं था। अगर कोई गुरु भक्त होता, अपने गुरु पर कुर्बान हो जाता और छोटी कुर्बानी की खबर गुरु के लिए हिंदुस्तान में नहीं फैलाता। आपको ये विचार करना चाहिए। प्रेमियों में सत्य था, जैसे भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव 24 घंटे लगे, लेकिन कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, इंसान माना। कहते मेरा साथी नौकर मेरा रथ हंसता है, और कहा ये मेरा मित्र है, और सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। केवल सारे रिश्तों में रह गए और पांचों पांडव नृत्य में चले गए, साथ होते हुए भी नृत्य में चले गए, क्योंकि कृष्ण को भगवान नहीं माना। ऐसे 40 व्यक्ति कभी सदगुरु नहीं माना, अनामी महाप्रभु सर्व समर्थ नहीं माना, ये 40 के 40 सब नृत्य में जाके खड़े होते हैं। उसे काल माया के समान फिर थक गए, जहां से गुरु ने सत्संग सुना सुना के निकाला था, ये फिर उसी नृत्य में चले गए। देखो ये न मानने का ये परिणाम होता। और आपको ये सब इतनी जानकारी जिसने दी, इतना लाभ दिया, सब तरह का मान सम्मान दिया, धन दौलत दिया, क्या नहीं दिया, और फिर भी तुम उनको अपना नहीं मानते, अपना नहीं बना पा रहे, सबसे बड़ी कितनी बड़ी भूल आपने की है। इसका प्रेमियों बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा, आगे आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। क्यों मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय हो तो बर्बाद, और भिन्न रूपी गोपिका कोई अति प्रेमियों समय बर्बाद होता है, और समय अपना काम समय से ही करता है, और समय किसी को माफ नहीं करता। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन तुम सब भूल गए हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, और काल ने ऐसा दाव चलाया कि तुमको सदगुरु की शरण से भी अलग कर दिया, और मिलने वाली दया उससे भी आपको अलग कर दिया। ये तो इतना बड़ा इतने दाव चलाया है कि सदगुरु की शरण से तुम्हें उठाकर फेंक दिया। अब ये तुम्हारा कल्याण कौन करेगा, तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने हर युग का राज खोला है, ताकि कलयुग का जीव कई दूसरे युग के जगाए नाम में फंस न जाए, और काम होगा नहीं और समय बेकार चल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने चारों युगों का वर्णन किया, कहा जब धरती पर सतयुग था, सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, यही शरीर जो हम आप नहीं हुए, ये 1 लाख वर्ष का था, उस समय कोई भोगी नहीं था, सब योगी थे, सब कृतार्थ थे, 1 लाख वर्ष का उम्र थी, और मन की ताकत हाथी के बराबर थी, इतना बड़ा। और उस समय भगवान का नाम का हरि नाम था। देखो हरियुग में नया नाम, नया पाप महापुरुष लेके आया,
एक ही नाम नहीं काम करता, सतयुग में हरि नाम। और लोग उस समय पूजा पाठ क्या करते थे सतयुग में, क्या लिखा है कि सतयुग योगी सब ज्ञानी और करी हरि ध्यान प्राणी। सब योगी थे, कोई योगी नहीं था। और हरि का नाम का ध्यान किया, जिस लोक से नाम आता है उस नाम का स्मरण करने से वो नाम उसी लोक तक पहुंचा दिया था। ये नाम की महिमा है प्रेमियों। लेकिन उस समय यानी तपस्या त्याग संयम बैराग सब कुछ बराबर था, लेकिन जैसे जैसे हम आप भोगों में फंसते गए, उम्र आपकी कम होती गई, यानी सतयुग भी नहीं रहा, क्या बदल गया, क्या आ गया का त्रेता। का त्रेता क्या है कि मानो शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की रह गई, कहा 1,00,000 कहा 10,000, यानी 90,000 आपने भोगों में गवा दिए। 10,000 मन की ताकत कहते घोड़ी के बराबर, इंद्रियों में संयम क्या बड़ा कम होने लगा। तो भगवान का नाम क्या आया, कहा हरि नाम नहीं अब राम नाम चलेगा। मन की ताकत, शरीर की उम्र और संयम त्याग खान पान के अनुसार नाम आता, कहा राम नाम लेके राम नाम आ गया। कहा राम नाम क्या मतलब, कहते उम्र कम हो गई। कहा कि उस समय के लोग पूजा पाठ क्या करते, त्रेता में कि त्रेता भी दे ये तुम्हारे लिए नहीं है, त्रेता के जीवों के, कलयुग के जीवों, तभी तो आपको मिल नहीं कुछ। आप दूसरे युग की नकल कर रहे हो, तुम्हारे पास शरीर में उम्र है नहीं, मन में ताकत है नहीं, इंद्रियों में संयम क्या, खान पान आपका अच्छा है नहीं, ले जाओ पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रेमियों त्रेता भी नहीं रहा, क्या बदल गया, द्वापर आ गया। द्वापर मतलब दोपहर में क्या, कि मानव शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की, कहा 1,00,000 कहा 10,000 कहा 1,00,000। देखो भोगों में फंसकर किस तरह अपनी उम्र को आप खत्म कर रहे हो, और आज भी भोगों से अलग होना सीख रहे हैं। बार बार इशारा किया जा रहा, भोग रोग बन के लिए, भोगों के कारण रोगी बन गए हो, और रोगी और भोगी कभी कुछ नहीं कर सकता, न भजन कर सकता, न मतलब यानी सुमरण कर सकता, न सेवा कर सकता। इसके इतने कमजोर हो जाओगे, सेवा भी तुम्हारे बस की नहीं। प्रेमियों द्वापर आ गया, द्वापर में का मानव शरीर तुम्हारे 1,000 वर्ष, मन की ताकत बकरी के बराबर, संयम त्याग बैराग कम, खान पान खराब होने लगा। और तो भगवान का नाम कहते अब राम नाम नहीं अब कृष्ण नाम चलेगा। दोपहर में कृष्ण नाम आ गया, और पिछले नाम पर कोई विरोध नहीं, वो तो अपने समय नाम अपने समय की जानकारी दे रहा, हर युग की जानकारी नाम के द्वारा, और नाम से काम होता और वही काम हर युग की जानकारी हो जाती। रवियों तो कहा ये इतना कमजोर है, बकरी के समान मन की ताकत रह गई, शरीर तुम्हारे 1,000 वर्ष की, संयम त्याग बैराग पूछे नहीं, और भगवान का नाम हरि नाम यानी कृष्ण नाम आ गया। तो द्वापर के लोग पूजा पाठ क्या करेंगे, इनके लिए तो पूजा है, क्या लिखा है कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा का अनुष्ठान वेद व्यास ने द्वापर युग के लोगों के लिए किया था, ये तुम्हारे लिए नहीं है मूर्ति पूजा, और इसीलिए आप मूर्ति पूजा कर रहे हो अपने हक से। तो कोई मूर्ति में भगवान मिला, देवी देवता देखने को मिले, कोई आवाज आई, कोई तुमसे यानी कहा ये अच्छा है खराब कुछ, क्योंकि तुम्हारे युग की साधन नहीं है। प्रेमी और द्वापर युग ये भी चला गया, अब क्या आ गया कलयुग। कलयुग माने कले माने लड़ाई झगड़े का युग,
कहले मारे लड़ाई झगड़ा और आप कलयुग का प्रभाव देखिए समाज परिवारों में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा पत पत्नी में लड़ाई झगड़े जात पातियों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में राजा और रैयत में यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा ये कलयुग का प्रभाव कितना बुरा है कलयुग जो झगड़े के सिवा मारकाट के सिवा अशांति के सिवा क्रांति के सिवा आपको कुछ सिखाता ही नहीं इतना खराब कलयुग आ गया तो गोस्वामी महाराज लिखते हैं कलयुग में क्या मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की कहा 1 लाख कहा 100 देखो भोगों में फंस करके आपने अपने मानव जीवन की उम्र को एकदम खत्म कर 100 वर्ष की उम्र रह गई है अब देखिए आप मन की ताकत कहते चींटी के बराबर चींटी जैसा मन क्या कर सकता अरे चींटी कितना वजन लेके चल सकता चींटी जैसा मन कुछ नहीं कर सकता मन की ताकत चींटी के बराबर इंद्रियों में संयम त्याग द्वारा बिल्कुल खत्म एकदम चरित्र में आग लगा दिया कुछ नहीं बचा कहा तो कलयुग में भगवान का नाम क्या आएगा अभी तक आप नहीं समझ पाए और किसी ने आपको बताया भी आप जल्दी लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र में इशारा किया है कि गुरु बिन भव नित तरह न कोई कि कलयुग में गुरु नाम आएगा जो जीवों को भवसागर से पार करेगा दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी को दुर्घटनाओं से रक्षा हिफाजत करेगा कलयुग में गुरु नाम आएगा अब प्रेमियों आगे जय लगा दिया पीछे देव और तुम शंका में हो गए कि जय गुरुदेव नाम कहां से अरे बीच में गुरु बैठा है आगे जय जय शंकर ध्वनि शिष्टाचार सबके आगे जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सबके आगे लगा दिया पीछे लगा देव देव माने देने वाला देवता ऐसे कौन से देवता है जो तुमको देते रहते हैं बदले में लेते कुछ पहला है धरती देवता जिस पर बैठे आप यहां बैठे किराया मांग रही आप अगर कोई कब्जा कर लेगा तो किराया मांगने लगता लेकिन धरती मां किसी से किराया नहीं मांगती इस पर आप आपका आधार है बिना इसके आप रह नहीं सकते मकान नहीं कुछ नहीं कर सकते इतना बड़ा आधार धरती देवता और आपसे कुछ नहीं लेता जो लोग कब्जा कर ले वो पैसा लेने लगते दूसरा है सूर्य देवता ये सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में डूबता देखिए और आपको पूरे दिन प्रकाश देता है क्या बदले में कुछ लेता आपसे अगर सरकार की बनाई प्रकाश की व्यवस्था का अगर प्रयोग करो पैसा लग जाएगा लेकिन ये देवता कुछ नहीं देता तीसरा है चंद्र देवता चंद्रमा पूरी रात आपको ठंडक प्रकाश देता है और सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन प्रदान करता है जो हम सब मानव इंसानों की जीवन शक्ति है बगैर ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं ऐसी यानी चीज आपको देता है चंद्रमा लेकिन बदले में कुछ नहीं अगर यहां कहीं ऑक्सीजन ले ले तो मेरे पसंद कोई नहीं ये देवता चौथा है वायु देवता कितनी शीतल मन ठंडी हवा चलती है एक पैसा आपसे नहीं लेती अगर सरकार की बनाई कूलर पंखा एसी का प्रयोग करो तो पैसा लग जाएगा ये है देवता और पांचवा है जल देवता कितनी मूसलाधार बारिश होती एक नया पैसा आपसे नहीं लेता अगर यहां कोई पानी की व्यवस्था बना लेगा बिना पैसे आपको पानी नहीं प्रेमियों छठे हैं संत देवता गुरु देवता संत गुरु देवता ये पांचों देवता तुमको शारीरिक सुख देते हैं लेकिन संत गुरु ऐसा देवता है जो शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करता है और बदले में आपसे कुछ नहीं लेता ऐसा समृत संत सतगुरु देवता आपको मिले लेकिन आप उनको पहचान ही नहीं पाए न जान पाए न मान पाए न पहचान पाए न अपना बना पाए न अपना कोई काम करा पाए
कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, कलयुग ऐसा सब सद्गुरु देवता आया है, वो कहता है कलयुग में तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या लिखा? यही कलिका ले न साधन दूजा और मन क्रम बचा ने गुरु पद पूजा। कहा कोई साधन नहीं, कोई जब तक पूजा पाठ कर तुम्हें कुछ नहीं, गुरु के वचनों को मानो और गुरु तुम्हारा ये सब काम कर देगा जो पूजा पाठ तेरे तो से भी नहीं हो सकता। वो आध्यात्मिक कार्य पूजा से नहीं होता। लगो कितना बड़ा, क्या लिखा है कि कल हो गए सदगुरु ने एकदम खोल के कह दिया कि कलयुग के जीवों का सबसे बड़ा आधार क्या है कि कलयुग के और सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम, अगर केवल शब्द पर विचार किया होता शायद भ्रमित नहीं होते। गाते तो सब कहते कि कलयुग केवल नाम लगा और कहते सीता राम राधेश, हमने बात कलयुग की कह रहे हो और नाम त्रेता तो अपर की ले रहे हो। अरे कलयुग का नाम तो था लिखा, कलयुग में जब केवल माने अकेला नाम आएगा, अकेला नाम आएगा और जितने नाम आज तक आए तुम्हें बताए गए सब सहायक शक्तियों के साथ ब्रह्मा सावित्री विष्णु लक्ष्मी शंकर पार्वती राम सीता और कृष्ण राधा ये सब सहायक शक्तियों के साथ आए। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा जब कलयुग में अकेला केवल अकेला नाम आएगा वो इन जीवों का काम करेगा। प्रभु प्रभु गुरु अकेला नाम है, कोई साथ नहीं जोड़ और किसी की जरूरत भी नहीं। और ऐसा ऐलान किया है जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया, ये है समृद्ध गुरु की पहचान है। कहा मैं जीवात्माओं को जगाने के लिए आया हूं और अपने जगाए नाम जात पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने आया हूं। ये पूरी पहचान आपको दी लगी, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, ना पिछले नामों को समझ पाए हो और न ही वर्तमान कलयुग के नाम। इसलिए कलयुग में गुरु नाम आया। अब गुरु कहो चाहे जय गुरु जी जय गुरुवर जी जय गुरुदेव की बात तो एक ही है, अंतर कुछ नहीं, केवल अंतर तुम्हारे समझ सोच लिया। इसलिए आप शंका संदेह भोर भर में चले गए, समझ में आपने कुछ आया नहीं। और वैसे तो ये है काम माया का देश, यहां तुमको वो समझने ही नहीं देगा, कहा तुम्हें समझने नहीं देगा, क्योंकि उसने चारों तरफ तुम्हारे पहरा लगा रखा। पहरा इसका काम करो लोग मोहिमा। इसलिए सदगुरु दयाल आए, उन्होंने ऐलान किया अरे मन जीवात्मा तुम दोनों मुसाफिर हो, मन तू त्रिपुटी धाम का रहने वाला और जीवात्मा तू शत्रु निवासी है। ये अकाल मार गया देव तुम्हारे दोनों का नहीं है, तुम मुसाफिर हो। इसलिए समझा के क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम्हारे ना होशियार, मुसाफिर मुसाफिर रूप में आओ, बहुत संभल के रहना, काल ने तुम दोनों को फंसाने के लिए काम करो लोगो अहंकार ऐसे ठगो कि मैं जाल बिछाया हूं तुमको फंसाने। क्या कह रहे हैं अभी कि अकेले मत जाना
तुम अकेले हो चला, पग पग पर ठग उसने बैठा रखी, तुम गुरु को साथ में ले लेना। बिना सदगुरु के अकेले संसार सागर से कोई निकल नहीं सकता और काल निकलने भी नहीं देगा। कहते हैं कि गुरु के बिना तेरा निर्वाह नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा निर्वाह। बिना सदगुरु के जीवात्मा मन तुम्हारा दोनों का यहाँ गुजारा निर्वाह नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे कि जमा सब लेंगे तेरी चीन, न मन निकल पा रहा न जीवात्मा निकल पा रहा। कहा कि गुरु के बिना ये मार्ग सब फट, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, धनी मानी गरी हो, हिंदू मुसलमान कोई हो। कहा बिना सदगुरु के
निकलना चाहता है, कर्म देश से छुटकारा चाहता अपने सर सगिया करत ठगार है, ठगिया करत ठगार कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे सत्य गुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सत्य गुरु स्वामी तो ही पुकार, मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रे ना होशियार। कितनी अमृत लेके आए मित्रों के, कितनी अमृत बार बार कितना समझा रहे कि तुम्हारा यहाँ कोई भला करने वाला नहीं, तुम्हें सब लूटने वाले, बहकाने वाले, ठगने वाले हैं। लिहाजा कहते गुरु के चरण पकड़ दिए और इंद्रियों से मन का छुटकारा दिलाते तो ये क्रिया काम वर्जती हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, यही एक ठगिया, यही काम माया और ये काम कर लो मोह कर, ये सब ठग इतने तेरे पीछे पड़े हैं, तू कैसे इनसे निकल पाएगा। कहा सच राधा स्वामी कह दूंगा, प्रभु राधा स्वामी कोई आत्मी इंसान का नाम है, सब इसी में तो फंस गए बेचारे, कबीर वाले कबीर नाम में फंस गए, जबकि लिखा काया भी कबीर, इसी काया शरीर के अंदर से जो जीवात्मा को घर जाने का रास्ता है, वो रास्ता जो पा गया वो काया भी कबीर वही है, उसे कबीर कहते। और राधा स्वामी जो जिनको सत्पुरुष ने जीवात्माओं का अधिकार देके भेजा कि जाओ मृत्युलोक मंडल में, पहले नाम को जगाना सिद्ध करना, फिर जगाया हुआ नाम इन जीवात्माओं को पकड़ना और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। जो जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा वो समय का राधा स्वामी ही कहेगा, लेकिन समय आप देखा देखे किसी को कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण में आ जा ले संभार, शरण में आ जा ले संभार, ना मैं संग हो उद्धार, ना मैं संग हो जा होए उद्धार, मुसाफिर ऐसी आवाज सच्ची में किसी ने नहीं लगाई, ये अमृतियों की आवाज। कहा फिर शरण में आ जा, अब भी तू शरण में आ जा, मैं तेरी संभाल करके आया हूं, इस पर तू मर जा तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और आप अपने लाभ की अपने हित की आवाज को नहीं सुन पाए, इतना बार आपने बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसे समय दिया भी जब जब जो 24 घंटे रहते थे वो तो बेचारे बिल्कुल नहीं पहचान पाए, और वो सब शरण चरण छोड़कर एकदम काल माला चले गए गया। तो बाबा जी को पहचाना किसने, जिस समृत महापुरुष ने इतनी पहचान और इतना समय जानकारी का किसी ने दिया ही नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक साफ साफ आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया और परमार्थी सेवा में लगाया और नाम नाम देकर सुमरण ध्यान भजन सिखा कर जीवात्मा को उनके घर जाने का रास्ता बताया है। ये काम सच्ची में किसी ने इतना, पर आप ऐसे समृद्ध मालिक को नहीं पहचान पहचाना, जब 7 साल अपनी पहचान ही देते
हिंदुस्तान का कोई प्राण जिला शहर कस्बा तो छोड़ा नहीं है और तभी कोई नहीं पहचान पाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोई नहीं पहचान पाया। देखो कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी गलती हमने की है। कुछ नाम बताऊंगा जिन्होंने बाबा जी को पहचाना। पहली बार संत महापुरुषों को कौन पहचानता है? जिसकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती है, क्योंकि संत महात्मा आत्मा का भी। तो सर्वप्रथम बाबा जी को किसने पहचाना है? जिन्होंने अपनी पहचान ली है, सर्वप्रथम हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो आज के लगभग 1400 वर्ष पहले आए, उन्होंने पहचान ली है, क्योंकि उनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को देखा जाता। भविष्य में आने वाले महापुरुष के बारे में हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जवान मुबारक फरमाया है कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद कोटधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई राज संपूर्ण इंसानी जाति को बताएगा। न उनके यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई रगड़ा झगड़ा होगा, सबको समान रूप से खुदा से मिलने का और हिंदुओं को जीवात्मा का दर्शन, सबके लिए समान युक्ति नामदान देगा। रविवार ये पहला रिकॉर्ड है कि इस हिंदू फकीर के साथ लाखों मुसलमान जुड़ा हुआ है। ये पहला फकीर हिंदुस्तान का, हिंदू फकीर के और भाई के रूप को उनका सबका दर्शन दीदार करा दिया। सब बेचारे पीछे चले। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा? जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ बढ़ेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। रमियो उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते हैं। जो अयोध्या के काफिले में पुराने नामदानी प्रेमी रहे होंगे वो थोड़ा थोड़ा इशारा समझ सकेंगे मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ बढ़ेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। रविवार के 1400 वर्ष पर कोई कारकोल डामर जानता था, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की रूह की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है, जिससे भूत भविष्य को देख करके बराबर इशारा कर रही। कह रहे जो भी गुनाहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार पाएंगे। उन पर ना विश्वास किया गया तो कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय देती, प्रलय जैसा रूप बन जाएगा। उसके वचनों को ना माना गया, उन पर ना विश्वास किया गया तो कयामत आ जाएगी। ये है पहचानने वाले जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती, वो संत सदगुरु को पहचान। देखो ऐसे चुपके से कोई नहीं जाता, जैसे आपने प्रचार कर दिया बाबा जी चुपके से चले गए। अरे यहाँ कोई साधारण जो बिताया नियमी सैमी है, आत्मा महात्मा कुछ नहीं, वो भी जब जाने का समय होता तो पहले ही बता देता भाई अब मैं जाने वाला हूँ, और सब अपने मैं बच्चों को बुला के बैठाता, कहा देखो मेरा समय हो गया और तुम जमीन ले लो, तुम मकान दुकान ले लो, तुम जगह बुक कर लो, यानी प्रेम प्यार मोहब्बत से है, वो भी बता दो जाता है। इतने समृद्ध महापुरुष जिन्होंने 45 करोड़ का ये परिवार बनाया और कुछ बता के नहीं गए, क्या झगड़ा छोड़ गए? झगड़ा ऐसे आपको विचार करना चाहिए। कबीर साहब ने अपने सारे शिष्यों को बुला के बैठा, कहा देखो मेरी एक इच्छा हो रही है, मेरा एक तन शरीर जिसको कवर पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता हूं। उनके सबसे प्रसिद्ध धर्मदाता जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है,
तुम दूसरा शरीर के धारण कर लोगे, हम कैसे पहचानेंगे कि आप आ गए। कबीर साहब ने कहा भाई मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए, कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका का हम यज्ञ करवाएंगे। कहा जब अबकी बार मैं आऊंगा तो काशी में साकेत महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझे ना इस शरीर में मैं ही आ गया हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 25 फरवरी 1979 को काशी के दशा सुने घाट पर रेती ने साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी भक्तों की शंका संदेह भूल भ्रम दूर करने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते, कह रहे साहब ये कब कैसे होगा। कहा लिखो, कोई कहा लिखे कि मतलब देखिए कितनी बड़ी बात हो, दिखा देखो 4 बार 36 जा हम घर घर अलग जगह नहीं। जब मैं अपनी बार आऊंगा उस शरीर से मेरा संदेह चारों धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सज्जन यानी छोटे बड़े गरीब अमीर सबके कानों पर मेरा संदेह पहुंचेगा। और कबीर साहब कह रहे जो मैं इस शरीर में आया हूँ तो इस शरीर में मैंने केवल दो ही जातियों को उपदेश किया, अब की जगह यो कोरी चमारा और फिर जो यो राजेंद्र वाला। अब की बार मैंने इस शरीर से केवल दो जातियां कोरी और चमार एक मैंने उपदेश दिया है, लेकिन अगली बार जब आऊंगा मेरा संदेश राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर विशुद्ध राजनीति और शुद्ध धर्म नीति का पूरा संदेश राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। ये कबीर की दूसरी वाणी सुन कर धर्मदास जी कह रहे साहब आप किस नाम से प्रचार करोगे, मैं कैसे समझूंगा कि शरीर में आप ही आ गए हो। कहा लिखो, गुरु नाम का जमका लेके हम शब्द का ढोल बजाएंगे, मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और सब जानकारी दूंगा और यानी शब्द ज्ञान से जीवात्मा को जगाऊंगा परमात्मा सुनेगा। मैं दो नाम लेके आऊंगा, वर्णात्मक और ध्वनियात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देव दुनिया को संदेशा दूंगा, गुरु और मुर्शिद की महिमा बताऊंगा और गुरु नाम से शारीरिक मिलने वाले लाभ को मिलूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को जगाऊंगा और इसके घर पहुंचाऊंगा। कहा मैं दोनों काम कर रही हूं और ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारी जीवात्मा का आपका भला नहीं, इसीलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा। प्रेमियो धर्मदास जी कह रहे साहब ये प्रचार आप कब शुरू करोगे। कहा लिखो, कोटि जीव को त्रास दे हम डूबत हंस बचाएंगे, जब करोड़ों जीव बेगुनाह निर्दोष मारे खाते सताए जाएंगे, ये धरती खून से लथपथ हो जाएगी, तब मैं शाकाहार का प्रचार करा के हिंदुस्तान में एक विराम लगा दूंगा। वो भी आपके सामने हो रहा है, कोई फंदे में काम कुछ नहीं, सब सामने हो, लेकिन समझ में आपने कुछ नहीं आया। धर्मदास जी कह रहे साहब एक शंका रह गई है, क्या उस समय के लोग तुमको बड़ा समर्थ मानी सच्चा सदगुर मान लेंगे। धर्मदास जी कह रहे कबीर साहब नहीं, धर्मदास आप इस समय ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम दान दिया माला फूटी पट्टाम भी सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भाग के चले आएंगे, वही मेरी शरण में टिकेंगे और स्वार्थी लोभी लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब आपके सामने हो रहा देख लेते, लेकिन शरण में आपने कुछ लिया सब सामने, कोई फर्द मेरे सामने हो रहा ये पहचानने वाली। तीसरे पहचानने वाले बाबा जी को कौन है, संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा
उन्होंने उत्तर कांड में पूरा परिचय दिया है कि आगे घोर कलयुग आ रहा, कलयुग की जीव जब गुरुओं को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तब परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। प्रभु लोग मालिक खुद आया हुआ, तुम गुरु गुरु के चक्कर में। अरे गुरु का काम कभी ऐसी आग किसी गुरु ने लगाई पर इतना वाला चैलेंज कभी विश्व को किसी गुरु ने किया? आये मालिक खुद आया हुआ। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जब समृत मालिक आएगा तो जीवों पर कौन सी दया करेगा? क्या लिखा उन्होंने? किसन मुख जी जबाई और जन्म कोटी अग्नाशो तबई। वो समृत मालिक कौन सी दया करेगा? वो कहेगा, जब जीव मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। प्रभु ये काम कोई कर सकता? दृष्टि डालकर तुम्हारे पापों को खत्म कर सकता? तुम यहाँ करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो मेरा एक पाप खत्म कर दिया, ये काम कोई नहीं। जो काम रुपए पैसे धन दौलत से कोई नहीं, कहा वो सदगुरु की दया दृष्टि से हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ देने के लिए महापुरुष आए, आपने कुछ नहीं बचा, तुम्हारे समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। प्रेमियों चौथे पहचानने वाले कौन हो? संत रविदास, जो मीराबाई के गुरु थे। संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा, जो हजारों वर्ष पहले आए थे, अपनी ज्ञान पोथी में भविष्यवाणी की है, कहा इस भारत भूमि पर ऐसा अनोखा विलक्षण महापुरुष आ रहा है। क्या उन्होंने कहा? कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। और सबसे बड़ी बात रविदास जी ने क्या कहा? वो अनोखा विलक्षण महापुरुष एक अनोखी लीला करेगा कि जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और चंदन भेष में वो मिटेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर दो ही घबरा, सभी तरफ पूरा बजेगा, कैसे हिंदुस्तान बजेगा? नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में चुपकेंगे, लेकिन ये महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई नहीं बचेगा हरा जीता। आप अभी महापुरुषों की महिमा कह जाते, कहा ऐसा विलक्षण महापुरुष जिन जिन भारत मां सताई, जिनने इसकी खरी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोर सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में चुपकेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, सब हिसाब चुकता करेगा। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं? चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा भारी संघारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व विजेता, दुनिया का कार्यालय होगा भारत में, न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राम सुख वर्ष आएगा, सहस्त्र वर्ष सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये रविदास जी की बनी
ये संत महात्मा फकीर जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती, जो भूत प्रस्पात को सब पर के देती, भविष्य के लिए कैसा इशारा रखता के दिया कि ऐसा विलक्षण अद्भुत अनोखा समृद्ध शक्तिशाली महापुरुष आ रहा का। जब वो महापुरुष भारत भूमि पर आएगा, रविदास जी कह रहे उस समय समाज की और परिवारों की स्थिति क्या होगी, मानव का खान पान, मानव के कर्म, स्त्रियों के पुरुषों के कैसे होंगे, पूरा वर्णन खोल के कह रहे। एक बार रविदास यानी कहने लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साथ सोई, बीते सहस पांच दस धोई। देखिए कितना साफ इशारा, यानी हजार और 2000, 2005 और 10, 15, 17 का 2017 भीतरे पर ये सब तुमको दिखाई देने लगेगा। क्या कह रहे हैं कि भरमा में सब स्वार्थ के काटा, बेटी बेट चले कुंडा, नशा दिखा में घर में पूरा, मां प्रेम का पकड़े जुड़ा, अंडा मांस मछलियां खामे और भिक्षा करिए पाप कमावे, जबरन करिए भोग पिलासा और सज्जन मन धो निराशा, पर नारी को गले लग गई है, नारी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भर गई है, पर प्यारे को गले लग गई है, कर्म देख धरती फट गई है, अंबर भी दरारे खाई है, ऐसी भीषण क्रांत की ज्वाला कि जब देश आजाद हो गई है, वो शक्ति जाकर छिप गई है, धरे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का खेले बचारा, गुरु नाम से सब जब जाने उनको परम पूज्य की माने, बरकर वस्त्र टाट बोरा सबको पह गई है, साधन भजन सबसे करमई है, ऐसा मंदिर एक बनमई है जो विश्व में कहीं न दिखी है, पंचम कलश अनोखी मूर्त और छन्ना सोच सुनोनी सूरत। देखिए कितनी बड़ी है, कितना बड़ा बात है, गुरु नाम से सब जग जाने उनको परम पूज्य अति माने, सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का कर विस्तारा, करे संगठन बन ब्रह्मचारी, करे संगठन बन ब्रह्मचारी, और उन समान नहीं कोई हितकारी, आज कई मौन भय रविदासा, बिना फूल मन प्रेम प्रकाशा, जय गुरुदेव। मैंने सभी जिलों के जिम्मेदारों से कहा ये 2000 प्रतियां छपवा कर सब प्रेमियों के हाथ में पकड़ा दो, जब ये तुम पढ़ लोगे तुम्हारी सबकी शंका खत्म, शंका जैसी कोई चीज रही नहीं रह सकते, इतना खोल कर महापुरुषों ने पहले ही सारा किया। बात यह कि आप ये सारा समझते नहीं, न सैन न बहन आपकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन बाबा जी को किसी ने नहीं पूछा, हिंदुस्तान में ये तो संत महात्मा फकीर जिनकी जीवात्मा तीसरी आंख खुली हुई, वो ये जानते कि आगे कलयुग का जीव पहचान नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने पहचान पहले ही ली थी कि ऐसा विलक्षण अद्वितीय अनोखा समृद्ध महापुरुष इस भूमंडल पर आ रहा है, जिसका सारा अनोखा काम, जिसके आगे सारा विश्व एक दिन नतमस्तक हो जाएगा, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, ऐसी भूमिका व्यवस्था योजना उनके पास है प्रेमियों। लेकिन हिंदुस्तान में आज वर्तमान में बाबा जी को किसी ने पहचान ही नहीं पाया। हाँ एक आवाज मिली है, शायद आपने उनका नाम सुना पड़ा होगा,
संत साईं बाबा, साईं बाबा जो दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के श्री गांव में बैठा गुप्त संत। ये गुप्त संत इनकी जीवात्मा की तीसरी अंगुली है। इन्होंने बाबा जी का थोड़ा सा परिचय दिया। उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का एक शिष्य उनका मथुरा कृष्ण जन्मभूमि देखने गया। जब वापिस हुआ है तो रास्ता वही है, आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा मधुबन, जहां पर बाबा जी गुरुदेव महाराज ने गरीबों की खून पसीने के कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। जब अंग्रेज मंदिर के सामने पहुंचा, नाम योग साधना मंदिर हिंदी में लिखा, वो अंग्रेज का बेचारा समझ नहीं पाया। लेकिन मंदिर की चोटी पर क्या लिखा है, जय गुरुदेव टेम्पल। अपनी भाषा का सत पढ़कर उसके आश्रय की सीमा टूट गई। अंदर अंदर सोच रहा है, इस राम का मंदिर तो विश्व में कहीं नहीं, राम नाम कृष्ण नाम हनुमान शंकर देवी देवताओं नाम के तो मंदिर मैंने सुने, लेकिन जय गुरुदेव नाम का मंदिर तो पहली बार सुना। जिसको बाबा जी ने फिर कहा, बच्चा ये विश्व की प्रथम इमारत, अभी मंदिर का सात आने काम हुआ, नौ आने काम बाकी है। जिस दिन पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको विश्व के लोग देखने आएंगे। और बाबा जी ने यह भी कहा, इसी मंदिर मथुरा मंदिर परिसर में मैं हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा। विदेशी आएंगे, इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समत के मुंह में डालेंगे और रुमाल में बांध कर अपने देश ले जाएंगे। क्या प्रभु, ये सब काम हो गया है जो आपके तो करने वाला चला गया, क्या ये काम और कोई कर सकता है? मथुरा मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टरों का ताका लगा के कोई दिखा सकता? प्रभु, वो अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी करी, मंदिर के अंदर गया। बाबा जी ने हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य पहले लिखवा के रखवा दिया कि देशी विदेशी कोई भी आवे, यहाँ की जानकारी में इनको कोई असुविधा न हो। वो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाया और जैसे फर्स्ट पेज को खोल के पढ़ा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, उसके आश्रय की दूसरी सीमा टूट गई कि हिंदुस्तान के सारे विश्व आज तक जितने ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक आए, सबने शरीर के विज्ञान की बात कही, लेकिन एक ऐसा अनोखा विलक्षण महापुरुष है जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा। साइंस ऑफ सोल, सोल को गॉड से मिलाने वाला सिर्फ यही बैठा है, खुदा का दीदार कराने वाला आरा फकीर यही बैठा है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला समरस सतगुर यही बैठा है। ये पढ़कर उसके आश्रय की सीमा टूट गई। जब वो अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो बार बार पूछ रहा है कि मथुरा से मैं वापिस आ रहा था, यानी रास्ते में जय गुरुदेव टेम्पल एक सफेद मंदिर देखा, मेरे आश्रय की सीमा टूट गई, इस राम का मंदिर तो विश्व कर नहीं। जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, मेरे आश्रय की दूसरी सीमा टूट गई। ये भी कार्य हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, सारे विश्व में ये जानकारी किसी ने नहीं दी है कि आत्मा से परमात्मा से मिलना और मतलब रूह को खुदा से मिलना और गाय यानी सोल को गाय से कैसे मिलेगी, ये जानकारी किसी ने नहीं दी। बार बार वो अंग्रेज पूछता है गुरु साईं बाबा कि आपने ऐसे समृद्ध संत महापुरुष के बारे में कभी नहीं बताया, ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? साईं बाबा चुपचाप मुझे कुछ सोच रहे हैं कि ये तो अंग्रेज है, हिंदी में बताऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, चलो इसकी बड़ी इच्छा हो रही है समृद्ध महापुरुष के बारे में कुछ न कुछ इशारा कर दो। थोड़ा सा इशारा साईं बाबा ने कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव, कहा मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता,
आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा देवगुरु, आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट, क्या मेरे बोलने की काम करने की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर ना कुछ बता सकता ना कुछ कह सकता, लेकिन बाबा देव गुरु जी की ऑल माइटी ऑल पावरफुल इतना लिमिटेशन, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, असीम पुरुष है, कहते हैं उनकी कोई सीमा नहीं। प्रेमियों इन्होंने पहचाना, बाकी किसी ने नहीं पहचाना, बाकी 45 करोड़ चेलों में तो किसी ने पहचाना, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, लेकिन हकीकत किसी के सुर से नहीं आ रही। तो जानकारी जानकारी देते, अज्ञानी थोड़ी जानकारी दी, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया परमात्मा से मिलाया और जीवात्मा का आपका नाम खुल गया, वो भविष्य भूत भविष्य वर्तमान सबको बता सकता, सबकी जानकारी आपको दी, बाकी भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता। देखो ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि संत आए हैं।